जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईडीबी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है वह आपकी एएसआई पोस्ट की वैकेंसी के लिए है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उसके सब सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसे आईडीबी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसे LDCE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पढ़ा करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फोर्स इनवाइट करता IDBP, आपको इनवाइट का ऑनलाइन एप्लीकेशन मेल और फीमेल नागरिक के लिए, जो कि आप देखते हैं नेपाल और भूटान के लिए। फिलिंग द वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री लिमिटेड आपका डिपार्टमेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। जो वैकेंसी है स्किल लेवल आपका 5 रहेगा, पे मैट्रिक्स 29,000 से 92,000 रहेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व आपका एनी वेयर इंडिया या अब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी देखते हैं ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री मेल आपका फीमेल की है। यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट UR कैटेगरी में 7, SC में 2, OBC में 8, इकोनॉमिक सेक्टर में 2, टोटल 19 पोस्ट हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका LDCE की पोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं स्टेनोग्राफर में 14, UR में 2, SC में ST में 1, 17 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें 100 रुपये है, और फी एग्जाम रहेगी फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे फ्री है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। बाकी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे ASI के लिए स्टेनो डायरेक्ट एंट्री की 18 से 25 आयु दे रखी है, और एज रिलेक्शन है SC ST और OBC एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एज आपकी जो काउंट होगी एक एक वेयर बेस के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते कैंडिडेट 2/1/1997 से के बाद का हो, ठीक है जी। यहाँ पे आपको देखने मिला इंटरव्यू, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट सीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2, एग्जामिनेशन पास आपके रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हो। यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म की बात करें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट में इंग्लिश में, 65 मिनट में हिंदी में ऑन कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे ही आपका स्टेनो LDCE 35 दे रखी है। IDPP आपका सर्विंग पर्सनल कॉन्स्टेबल GDL कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम आयु दे रखी है आपकी, यहाँ पे 1/1/2022 के अनुसार आपकी जो है बॉर्न होना चाहिए अर्लियर जो उससे पहले का उसके बाद का 1987 के सॉरी पहले का, ठीक है, 1987 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन मेड ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट mint.idppolice.nic पे आप जा सकते हैं। नो ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, यहाँ पे ऑनलाइन आपका रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू गो थ्रू इसकी वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी अन्य डिटेल है वो यहाँ पे देखने मिल जाएगी। यह आपका 8 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं क्लोजिंग डेट रहेगी 7/7/2022 को आपकी क्लोज आएगी, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी IDPE द्वारा जारी की है रिक्रूटमेंट में, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थी ASI की। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को हमारे अन्य जो है सोशल मीडिया हैंडल से जोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।